आगरा के थाना बरहान पुलिस ने राजस्थान से बड़ी मात्रा में तस्करी कर लाई गई शराब के साथ एक युवक को पकड़ लिया है, जबकि उसका एक साथी फरार हो गया। शराब तस्करी के लिए तस्करों ने कार को मिनी गोदाम बना दिया। कार के दरवाजे, बोनट, सीट और बैक लाइट में 1020 नहीं बल्कि 1148 टेट्रा पैक छुपाए गए थे। वहीं कार के अलग अलग हिस्से में शराब के पैकेट देख कर पुलिस भी हैरान रह गई। कार में शराब छुपाने का यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। थाना बरहान पुलिस को सूचना मिली थी कि राजस्थान से बड़ी मात्रा में तस्करी कर शराब लाई जा रही है। पुलिस ने मथुरा नंबर की रजिस्टर कार को रोका, मगर कार रुकते ही एक युवक भाग निकला, लेकिन पुलिस ने कार ड्राइवर को पकड़ लिया। पुलिस ने कार की चेकिंग की तो शराब नहीं मिली, लेकिन जब सख्ती से पूछताछ की गई तो ड्राइवर ने बताया कि कार के दरवाजे, लाइट, सीट और बोनट में गुप्त तरीके से शराब के पैकेट रखे हुए हैं। पुलिस ने उसे शराब निकालने को कहा। इस पर ड्राइवर ने पेचकस से पहले कार के दरवाजे को खोला और दरवाजे के अंदर से शराब के पैकेट भरे हुए निकले। इसी तरह चारों दरवाजों से शराब के पैकेट निकलते रहे। फिर उसने कार के पीछे की सीट उठाई और सीट के नीचे खाना बना हुआ था, उसमें भी शराब के पैकेट भरे थे। ड्राइवर ने जब कार की बैक लाइट को खोला तो उसमें से निकले शराब के पैकेट देख कर पुलिस हैरान रह गई। इसके बाद उसने बोनट खोला, बोनट में भी बड़ी मात्रा में शराब भरी हुई थी। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर फिलहाल कार्रवाई शुरू कर दी गई है और फरार आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए आगरा से आकाश जैन की रिपोर्ट।